वेलकम टू कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए फीचर नेम्ड एजेंडा 25x25 टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इंक्रेज करने के लिए एजेंडा 25x25 नाम का एक फीचर जो है किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है SBI, RBI, HDFC बैंक एंड यस बैंक, एंड द करेक्ट आंसर इज यस बैंक। तो यस बैंक ने भारत में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इंक्रेज करने के लिए एजेंडा 25x25 नाम का एक फीचर लॉन्च किया है। इस एजेंडा को लॉन्च करने का मेन पर्पज यही था कि कम से कम 25% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हों इंडिया में 2025 तक। यस बैंक का फाउंडेड ईयर है 2004। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं राणा कपूर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बीन बैरिड बाई RBI फ्रॉम एक्सटेंडिंग न्यू लोन्स। आपको बताना है कि किस बैंक पर RBI ने नए लोन देने पर रोक लगा दी है। आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड आंध्रा बैंक, एंड द करेक्ट आंसर इज इलाहाबाद बैंक। तो RBI ने इलाहाबाद बैंक को हाई रिस्क लोन देने से मना कर दिया है। इलाहाबाद बैंक PCA के तहत 11 बैंकों में दूसरा बैंक है जिसे RBI द्वारा हाई रिस्क लोन देने से मना कर दिया है। पहला बैंक है देना बैंक। इलाहाबाद बैंक का फाउंडेड ईयर है 1865 और इलाहाबाद बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उषा आनंद सुब्रमण्यम। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इसकी टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिया डेडिकेटेड पब्लिकली ऑफर्ड इन्वेस्टमेंट फंड। आपको बताना है कि किस कंट्री ने देश का पहला इंडिया डेडिकेटेड पब्लिकली ऑफर्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, USA एंड जर्मनी, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। तो चाइना की बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसने जो है देश का पहला इंडिया डेडिकेटेड पब्लिकली ऑफर्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो है लॉन्च किया है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का फाउंडेड ईयर है 1984, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और चेयरमैन है यी हुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज एक्वायर्ड कॉन्टिगियस सॉल्यूशंस, ए मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। आपको बताना है कि किस बैंक ने मुंबई बेस्ड कॉन्टिगियस सॉल्यूशन को एक्वायर कर लिया है। आपके ऑप्शन है HSBC बैंक, ड्यूस बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक, एंड द करेक्ट आंसर इज ड्यूस बैंक। तो ड्यूस बैंक ने मुंबई बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी यानी कॉन्टिगियस सॉल्यूशन को जो है एक्वायर कर लिया है। ड्यूस बैंक एक जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका फाउंडेड ईयर है 1870। इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस्टिन स्विंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सचेंज हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए डेजिग्नेटेड ऑफशोर सिक्योरिटी मार्केट बाय द US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। आपको बताना है कौन सा एक्सचेंज US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा नामित ऑफशोर सिक्योरिटीज मार्केट के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एक्सचेंज बन गया है। आपके ऑप्शन है BSE, NSE, CSE एंड RSE, एंड द करेक्ट आंसर इज BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा नामित ऑफशोर सिक्योरिटी मार्केट के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एक्सचेंज बन गया है। बॉम्बे स्टॉक के एक्सचेंज का फाउंडेड ईयर है 1875। इसके चेयरमैन है CS रवि और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट के अनुसार जो है भारत की एक्सपेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। आपके ऑप्शन है 7.2%, 7.4%, 7.6% एंड 7.8%, एंड द करेक्ट आंसर इज 7.6%। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 7.6%।
यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में दो रिपोर्ट पब्लिश किए हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसके अकॉर्डिंग जो है 7.2% है रहेगी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। और वहीं बात की जाए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के द्वारा जो है 7.6% रहेगी जो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक विल सेल 8.26% स्टेक इन यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस टू डावर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड सोम्पो जापान। आपको बताना है कि कौन सा बैंक डावर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड सोम्पो जापान को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस में से 8.26% की हिस्सेदारी बेच देगा। आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक एंड यूको बैंक, एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक जो है डावर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड सोम्पो जापान को जो है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस में से 8.26% की हिस्सेदारी बेचने वाला है। कर्नाटका बैंक का फाउंडेड ईयर है 1924। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री महाबलेश्वरम MS, और इसका हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटका में, और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड विद नबार्ड फॉर 2 ईयर्स। आपको बताना है कि इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने नबार्ड के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड्स के लिए कितनी राशि अलॉट की है। आपके ऑप्शन है 2,000 करोड़ रुपीज, 3,000 करोड़ रुपीज, 4,000 करोड़ रुपीज एंड 5,000 करोड़ रुपीज, एंड द करेक्ट आंसर इज 5,000 करोड़ रुपीज फॉर 2 ईयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने नबार्ड के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड्स के लिए जो 5,000 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की है 2 साल के लिए। इसमें से 2018-19 के लिए 2,000 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिए जो है 3,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। नबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1982। इसके चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया ऑपरेशंस। आपको बताना है भारत के लिए US इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन है अंबिका शर्मा, शालिनी गुप्ता, निर्मला जयपाल एंड अभिनव शाह, एंड द करेक्ट आंसर इज अंबिका शर्मा। तो अंबिका शर्मा को जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है इंडिया ऑपरेशंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई पेमेंट फीचर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी टू ऑफर ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट्स फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स। आपको बताना है कि माई पेमेंट फीचर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा कस्टमर को रिकरिंग पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके ऑप्शन है फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम एंड एयरटेल मनी, एंड द करेक्ट आंसर इज पेटीएम। तो माई पेमेंट फीचर जो है पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा कस्टमर को रिकरिंग पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 30 मेंबर पार्लियामेंट्री पैनल हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू रिकवरी ऑफ ब्लैक मनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पैनल। आपको बताना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काले धन की वसूली देखने के लिए सरकार द्वारा 30 सदस्यीय पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है। उस पैनल के अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, YB रेड्डी, अजय पाटिल एंड KV थॉमस, एंड द करेक्ट आंसर इज मुरली मनोहर जोशी। तो मुरली मनोहर जोशी को जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काले धन की वसूली देखने के लिए सरकार द्वारा 30 सदस्यीय पार्लियामेंट्री पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ए हाई लेवल कमेटी अंडर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1,161.17 करोड़ रुपीज टू हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर बींग अफेक्टेड बाई फ्लड्स एंड साइक्लोन इन 2017-18। आपको बताना है कि हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2017-18 में बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित वाले कितने राज्यों को 1,161.17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है 4, 5, 8 एंड 10, एंड द करेक्ट आंसर इज 5 स्टेट्स। तो हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2017-18 में बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित वाले 5 राज्यों को 1,161.17 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने को जो है मंजूरी दी है। 5 स्टेट्स हैं असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान एंड लक्षद्वीप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक फाइनली एग्रीड टू प्रोवाइड ए ग्रांट टू बांग्लादेश फॉर मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ अराउंड 1 मिलियन रोहिंग्यास हु फ्लेड देयर होमलैंड म्यांमार। आपको बताना है कि फाइनली किस बैंक ने बांग्लादेश को 1 मिलियन रोहिंग्यास की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है जो कि अपने मातृभूमि म्यांमार से भाग आए थे। आपके ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB एंड ब्रिक्स NDB एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो फाइनली वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 1 मिलियन रोहिंग्यास की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सहमत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज पर द रिपोर्ट टाइटल रेमिट्स को रेमिटेंस मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज एशिया एंड द पैसिफिक। आपको बताना है रेमिट स्कोप रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला कौन सा देश बन गया है। आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। रेमिटेंस होता है वो भारतीय जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और वो वहाँ से जो पैसा अपने देश में भेजते हैं या अपने परिवार वालों को भेजते हैं वो ट्रांसफर ऑफ मोड कहलाता है रेमिटेंस। इसमें $69 बिलियन के साथ जो है इंडिया टॉप पर है। सेकेंड पे है चाइना $64 बिलियन के साथ और थर्ड पे है फिलीपींस $33 बिलियन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नबार्ड हैज रिसेंटली सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ 87.83 लाख रुपीज फॉर LED सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम टू बी सेट अप इन विच स्टेट अंडर इट्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आपको बताना है कि नबार्ड ने हाल ही में अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत किस राज्य में LED सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 87.83 लाख रुपीज को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। तो नबार्ड ने हाल ही में अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को LED सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 87.83 लाख रुपीज को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन इस हफ्ते के। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फायदा हो सके। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।